हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपको आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही सारे स्टेट पीसीएस में काम आएंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का उपयोग रक्त की बीमारी जैसे थैलेसीमिया, एनीमिया, हेमोफीलिया के इलाज के लिए किया जा सकता है। दूसरा कथन कहता है, मेरी स्टेमिक उत्तक पौधे के उत्तक संवर्धन में टोटिपोटेंसी को दर्शाता है। तीसरा कथन कहता है, चावल जीनोम अनुक्रमण होने वाली पहली फसल थी। आपको इन तीनों कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, हम एक एक करके देखते हैं और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझते हुए सही और गलत कथन की पहचान करते हैं। सबसे पहले कथन में स्टेम सेल के बारे में लिखा गया है। हम सबसे पहले यही समझते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो कोशिका होता है। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं और बहुत सारे उत्तकों के मिलने से हमारे शरीर का अंग बनता है। जो स्टेम सेल होता है वो एक ऐसी कोशिका होती है जो हमारे शरीर के किसी भी अंग को फिर से बनाने की क्षमता रखती है। आप स्टेम सेल क्या होता है समझ लिए? स्टेम सेल क्या होता है, हमारे शरीर के किसी भी अंग को फिर से बनाने की क्षमता रखता है, ये होता है स्टेम सेल। अब स्टेम सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लूरीपोटेंट, एक होता है टोटिपोटेंट। प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल होता है वो पूरे के पूरे शरीर को फिर से निर्मित कर सकता है। मतलब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के माध्यम से आप कान भी बना सकते हैं, नाक भी बना सकते हैं, हाथ भी बना सकते हैं, पैर भी बना सकते हैं, किडनी भी बना सकते हैं। मतलब इतनी क्षमता होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में। लेकिन जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल होता है वो किसी एक ही चीज को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें जिस चीज के लिए वो बना है, मतलब अगर वो स्टेम सेल कान का है तो सिर्फ वो कान बनाएगा, यदि वो नाक का है तो सिर्फ नाक बनाएगा। लेकिन प्लूरीपोटेंट के मामले में ऐसा नहीं है। प्लूरीपोटेंट में इतनी क्षमता है कि वो हमारे पूरे शरीर को फिर से निर्मित कर सकता है। तो अब आपने देख लिया प्लूरीपोटेंट क्या होता है, टोटिपोटेंट क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता था। क्वेश्चन कहता है, प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का उपयोग, यानी कि प्रेरित मतलब थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा कि आप कान बन जाओ, आप नाक बन जाओ, आप पैर बन जाओ, किडनी बन जाओ। हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तुमको ऐसा बनना है, साइंटिफिकली चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो वो उसको प्रेरित किया जा रहा है। का उपयोग रक्त की बीमारी जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल, एनीमिया, इन सब में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सब जो बीमारी है वो अनुवांशिक बीमारी है, और ये एक बार यदि किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया या फिर एनीमिया हो गया तो वो जीवन भर नहीं समाप्त होगा। तो क्या किया जा सकता है इलाज करने के लिए, यदि जहां से ये सारी रक्त की बीमारियां हैं, जहां से रक्त का निर्माण हो रहा है, यदि हम वहीं पर रक्त के निर्माण करने वाली इकाई को यदि उस व्यक्ति से काट कर निकाल दें और वहां पर नया रक्त बनाने वाली इकाई को यदि जोड़ दें, तो उस बीमारी में, उस व्यक्ति में हमेशा हमेशा के लिए थैलेसीमिया समाप्त हो जाएगी। तो प्लूरीपोटेंट में क्षमता तो है कि इस व्यक्ति के शरीर के लिए एक अलग तरह का और उसी के लायक कोशिका का निर्माण किया जा सकता है, उत्तक का निर्माण किया जा सकता है। और यदि किया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर से थैलेसीमिया, एनीमिया, हेमोफीलिया या फिर दूसरे किसी भी प्रकार की बीमारी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है, आपने समझ लिया। अगला क्या कहता है कि मेरी स्टेमिक उत्तक पौधों के उत्तक संवर्धन में टोटिपोटेंसी को दर्शाता है। देखिए, टोटिपोटेंट जो उत्तक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और मुख्य रूप से टोटिपोटेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के वृद्धि और विकास के लिए कार्य करते हैं। और मुख्य रूप से इसे आप ऐसे समझें कि जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा ऊपर बढ़ते रहते हैं, हमेशा उनकी मोटाई बढ़ती रहती है, हमेशा उनके जड़ में वृद्धि होता रहता है। तो जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं,
या तो वो हमेशा वृद्धि के क्षेत्र में कार्य करेगा, या तो हमेशा वो मोटाई के क्षेत्र में कार्य करेगा, या तो उसके जड़ को आगे बढ़ाने का क्षेत्र में कार्य करेगा, इसके सिवा दूसरा कार्य नहीं करेगा। तो टूटीपोटेंट तीन प्रकार के हुए, आपने समझ लिया, या तो वो उसकी मोटाई बढ़ाएगा, या तो उसकी वृद्धि बढ़ाएगा, मतलब पेड़ की वृद्धि बढ़ाएगा, या तो जड़ की वृद्धि बढ़ा रहा है। वो टोटिपोटेंट एक विशेष कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है, मतलब होता है, बनाया क्या जाएगा, वो होता है। यहां क्या कर रहा था, मेरी स्टेमिक उत्तक पौधों के उत्तक संवर्धन में टोटिपोटेंसी को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। मतलब एक ऐसा उत्तक है जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए ही कार्य कर रहा है, मतलब चाहे वो मोटाई बढ़ाएगा, या तो हाइट बढ़ाएगा, या तो जड़ की लंबाई बढ़ाएगा। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अगर हम बात करें तीसरे का, तो ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे, जो पौधों में या फिर फसलों में सबसे पहले जेनेटिक अनुक्रमण किया गया था, जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था, वो चावल में ही किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। आई थिंक आपने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, और एक फैक्ट, इन सारे चीजों को समझ लिया। ये सारे आपको काम आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, इंडीजेन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको चार कथन दिए गए हैं इंडीजेन इनिशिएटिव के बारे में, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह भारत का इस तरह की पहला संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण है भारतीयों का। दूसरा कथन कहता है यह रोगों के अनुवांशिक व्यापक रोग विज्ञान को सक्षम करेगा। तीसरा कथन कहता है सभी राज्यों और नस्लों को कवर करते हुए 100,000 भारतीयों को की जीनोम अनुक्रमण किया गया था। चौथा कहता है इसे आईआईटी दिल्ली के सहयोग से स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा के लिए संस्थान यानी कि इन स्टेम द्वारा किया गया था। अब आपको इंडीजेन इनिशिएटिव के बारे में इन चारों में से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इंडीजेन पहल का, तो इसके अंतर्गत हमारे देश में हजारों लोगों के जीन को सीक्वेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। किस लिए, ताकि हमारे भारत में ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिनका इलाज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उन बीमारियों को पूरे विश्व में नेग्लेक्टेड बीमारी के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम इंडियन बीमारी के क्षेत्र में शोध बहुत कम करते हैं। और यदि कोई ऐसी बीमारी है जो भारत में है, तो बाहर के देशों में जो शोध हो रहा है वो भारत की बीमारी के लिए क्यों शोध करेगा। तो इसलिए उन बीमारियों को छोड़ दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए भारत में जीनोम का सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, जीन का सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, ताकि यदि ये पता चल जाए कि किस जेनेटिक फॉर्म की वजह से, किस सीक्वेंस की वजह से कोई बीमारी उत्पन्न होती है, तो उस बीमारी को, उस जीन को एडिट करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यहां पर कितने भारतीयों का के जीनों का सीक्वेंस किया जाएगा इसका कोई स्पेसिफिक फिक्स डाटा नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग 140 करोड़ के आसपास अब भारतीय हो चुके हैं। अब इसमें से कितने लोगों को करना पड़ेगा सीक्वेंसिंग, कितने लोगों को जीनों का सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा, यह नहीं कहा जा सकता। बस ये कहा गया है कि हर समुदाय के लोगों का सीक्वेंसिंग किया जाएगा। जैसे झारखंड में एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां की जो जनजाति है उनके शरीर में रक्त अल्पता का कारण बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मतलब उनके, वो कितना भी खा रहे हैं उनके शरीर में रक्त ही नहीं बन रही है, आयरन की कमी होती जा रही है, और उनके संख्या जो है ना वो लगभग 50 से 60 के आसपास बची हुई है उनकी संख्या मात्र। तो उनके कारणों को हम लोग कैसे समझेंगे, उनके कारणों को समझने के लिए हम लोगों को जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। और यही कार्य करने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत CSIR के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। तो यहां पर तीसरा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है। यहां कहा गया था कि IIT दिल्ली के सहयोग से, ये गलत है क्योंकि इसे CSIR के द्वारा संचालित किया जा रहा था, तो इसलिए चौथा गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आपने जान लिया इंडिजन इनिशिएटिव क्या था,
सीक्वेंसिंग पद्धति थी, किस लिए था, रोगों एक ऐसा डाटा बनाया जाए जिसके माध्यम से पता चल पाए कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कौन सा जेनेटिक है जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है। किसके द्वारा किया जा रहा था? CSIR के द्वारा। तो इतनी सारी जानकारियां हैं, इन सारी जानकारियों को याद रखेंगे। यहां पर यही सारी बातें लिखी गई हैं जिसको मैंने आपको समझाया है। आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले PDF को प्लीज 2 से 3 बार पढ़ें। आप निश्चित रूप से यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप नहीं छोड़ेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? कृत्रिम पत्ती यानी कि आर्टिफिशियल लीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, कृत्रिम पत्ती पुनः संयोजन DNA तकनीक का उपयोग करके एक प्रयोगशाला में विकसित पत्ती है। दूसरा कथन कहता है, यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है तथा इसे ईंधन में परिवर्तित करती है। अब आपको बताना है कि आर्टिफिशियल लीफ के बारे में दिए गए इन पत्तियों में से, दिए गए इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पत्ते के बारे में हम जानते हैं क्योंकि वो हरे होते हैं, उनमें ये क्षमता होती है कि जो सूर्य की रोशनी से, मतलब सूर्य का प्रकाश आता है, जो सौर ऊर्जा होता है, उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की इनकी क्षमता होती है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया है। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हमारे विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके अंतर्गत जो कोबाल्ट होता है और जो सिलिकॉन का लेप लगाया हुआ पेरासाइट होता है, जब कोबाल्ट और सिलिकॉन लेपित पेरासाइट को पानी में डुबोया जाता है तो सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ये जो पानी में डुबाया गया है, पानी में क्या होगा, H2O। तो ये जो डुबाया जा रहा है कोबाल्ट और सिलिकॉन लेपित पेरासाइट, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ देता है। मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। ऑक्सीजन को प्रकृति में जाने दे दिया जाता है या फिर इसे किसी विशेष यंत्र में इसे बंद करके फिर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसका उपयोग सीन गैस के रूप में किया जाता है और यही सीन गैस आगे जाने के बाद ईंधन का रूप ले लेता है जिसे मोटर गाड़ी या फिर दूसरे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। अब इसी को अब कुछ और परिवर्तित करके इतनी सक्षमवान बना दिया गया है कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और इसे ईंधन के रूप में परिवर्तित कर सकती है। हालांकि ये एक DNA तकनीक का उपयोग करके नहीं किया गया है, ये किसका उपयोग करके किया गया है, ये तो कोबाल्ट और सिलिकॉन लेपित तत्वों का उपयोग करके एक पत्ता बनाया गया है। और इसका उपयोग किया जा रहा है किस क्षेत्र में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए। और दूसरा किस क्षेत्र में, वातावरण में जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करने के लिए, और उस अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन के रूप में उपयोग करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि पहला गलत है। आपने देख लिया कैसे गलत है। ये देखने में कुछ इस प्रकार की है, जो कोबाल्ट होता है उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो कुछ खौलने लगता है और इसके बाद वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन या तो बाहर चला जाएगा या तो उसको कैद करके एक सिलेंडर में भर देंगे और कोरोना वायरस वाले पीड़ितों को दे दिया जाएगा, ठीक। और जो आर्टिफिशियल लीफ है, जो पत्ते हैं, वो कुछ देखने में इस प्रकार के हैं, तो इनको वातावरण में छोड़ दिया जाएगा तो जहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करेगी और उसको ईंधन में परिवर्तित कर देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इनके संबंध में, आप इन सारी बातों को ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का 4th प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी जैव जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि अर्थ बायोम जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से आपको 3 कथन दिया गया है, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के वर्तमान में वर्णित यूकैरियोटिक जैव विविधता वाले सभी जीनों का अनुक्रमित करना है। दूसरा कथन कहता है, यह एक ओपन सोर्स DNA डेटाबेस है। तीसरा कथन कहता है, यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्तपोषित है तथा विश्व बैंक और IUCN जैसी संगठनों द्वारा समर्थित है। आपको अर्थ
बायोम जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, आप जानते हैं कि जो जीव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते हैं जिनकी कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिनकी कोशिका में ऐसे जीव जिनके कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। जिनकी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। तो जो जीनोम का सीक्वेंसिंग किया जा रहा है वो अर्थ बायोम जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसका किया जा रहा है? यूकैरियोटिक जीवों का। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीवों का जीनोम के सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्या किया जाएगा कि पूरे विश्व में जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं उनके जीनोम का सीक्वेंस किया जाएगा। क्यों? ताकि प्रकृति को समझा जा सके। यदि कोई ऐसा जीन है, यदि कोई ऐसा जीव है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समाप्त हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार वो समाप्त क्यों हुआ, क्यों, क्या उसमें टेम्परेचर को सहने की क्षमता नहीं थी, क्या कारण था? जो बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे, वो क्यों समाप्त हो गए? इन सब चीजों को हम लोग कैसे जान सकते हैं यदि सारे सीक्वेंस मौजूद होंगे? क्या चेंजेस आ रहा है उसको समझने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या हो जाता है? बिल्कुल सही। दूसरा कथन कहता है यह एक ओपन सोर्स डीएनए डेटाबेस होगा। मतलब सीक्वेंसिंग किस चीज का किया जा रहा है? डीएनए का ही तो किया जा रहा है। और अगर डीएनए का किया जा रहा है तो यह कहता है कि यह ओपन सोर्स डेटाबेस होगा। मतलब सीक्वेंस करने के बाद उस आंकड़े को ओपन रख दिया जाएगा। जैसे आप गूगल में जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओपन है, वो रखा हुआ है, सब लोग उसको यूज कर सकता है। वैसे ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सीक्वेंसिंग की जाएगी उसका आंकड़ा सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा दूसरा कथन बता रहा है और यह बिल्कुल सही है। हालांकि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, इसका नेगेटिव एरिया में मतलब गलत तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तक तो यही है कि ये ओपन सोर्स उपलब्ध होगा, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। तो दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा क्या कहता है कि इसको किसका समर्थन है? विश्व बैंक और IUCN के द्वारा। ये गलत है क्योंकि इसको ये बता रहा था कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर अपने अपने क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इस कार्यक्रम से विश्व बैंक और IUCN का कोई लेना देनी है नहीं है। तीसरा कथन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि अर्थ बायोम जीनोम प्रोजेक्ट क्या था। इसके अंतर्गत यह रखा गया था फ्रेंड्स कि आने वाले 10 वर्षों में जो सीक्वेंसिंग किया जाना है उसको पूरा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक बेहतर योजना बनाई जा सके, समझा जा सके कि पर्यावरण परिवर्तन आखिरकार हो क्यों रहा है और यदि कोई जीव समाप्ति की ओर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इसको समझने के लिए इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। अब ध्यान रखेंगे हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोबिस के बारे में सही है? यहां पर फिर से तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है कि इसका उद्देश्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में सभी समुद्री स्तनपायी प्रजातियों के जीनोम को अनुक्रमित करना है। दूसरा कथन कहता है यह आंशिक रूप से वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास के अंतर्गत रिकवरी कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा कथन कहता है, यहां पर वित्त पोषित के बारे में बताया गया है, तीसरा कथन कहता है यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मतलब भारत सरकार की और पृथ्वी जैव जीनोम परियोजना और IUCN की एक संयुक्त पहल है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले यहां पहला कथन जो है वो ये कहता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में जितने भी समुद्र पाई जीव हैं उन जीवों का क्या किया जाने की बात कहता है। यह कहता है कि उनके जीनों का सीक्वेंसिंग किया जाएगा, ऐसा बता रहा है।
तीसरा कथन क्या कह रहा था, दूसरा कथन क्या कह रहा था, कि यह आंशिक रूप से वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के अंतर्गत रिकवरी कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित है। अगला कथन क्या कह रहा था, यह पर्यावरण मंत्रालय मतलब भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है। यानी कि आप ये जानेंगे कि इंडो बिस जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसके अंतर्गत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इन सारे क्षेत्रों के जितने भी जीव हैं, उन जीवों के जीनों को अनुक्रमित करने के लिए, उन जीनों के सीक्वेंसिंग करने के लिए इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहां पर ऑप्शन डी लिखा है, ये गलत है। तो आप याद रखेंगे ये कार्यक्रम क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये कार्यक्रम क्या है और इसका जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है वो कौन कार्य कर रहा है, CMLRE। ये एक संस्थान है जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। आपसे यदि पूछा जाएगा इससे संबंधित प्रश्न, तो यही पूछा जाएगा कि यह क्या है और इसे किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। कुछ आंकड़े बताए गए हैं जो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। इसमें बताए गए हैं कि लगभग 110,199 ऐसे जीव हैं जो हिंद महासागर के क्षेत्र में उपलब्ध हैं। अभी बहुत सारे जानकारियां आएंगी, तो आप देखते रहें न्यूज़ को, आप निश्चित रूप से बेहतर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।